खुश हो रहे हैं। ग्यासुद्दीन साहब के पास जाके इनको उठाने की कोशिश की, इनको तकलीफ देने की कोशिश की, इनको ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे कि इनके साथ कोई मतलब नाइंसाफी हुई या इनको धोखा दिया गया। अच्छी बात यह है कि ग्यासुद्दीन साहब पहले दिन से इस बात पे कायम थे कि अगर फारूक साहब या मैंने गांदरबल से इलेक्शन लड़ना है 100% क्या 110% ग्यासुद्दीन साहब मदद करेंगे। बाल इनका दिखता नहीं था, आज बाल भी सफेद, मशीन सिर पे बाल नहीं। के बाद आपने यहाँ तंजीम खड़ी की, इंशाल्लाह इस तंजीम को हम और ज्यादा मजबूत करेंगे। इसी के साथ हमारे नौजवान शायद मुस्तफा साहब, इनके बारे में तो जो मैंने कहना था जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया मैंने इनके सामने कहा, मैंने कभी किसी इलेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। बारामुल्ला के पार्लियामानी नतीजों के बाद तो मैं अब अगर लेता भी था थोड़ा बहुत तो बिल्कुल नहीं लेता हूं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ गांदरबल के लोगों से ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरह उन्होंने मुझे 2008 में खिदमत करने का मौका दिया, उस तरह दोबारा इस साल मुझे एक मौका उनकी खिदमत करने का देंगे। बस जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई में असेंबली का अपना ही रोल है, और मैं लोगों से क्या कहूँ कि वो इस असेंबली को माने, इस असेंबली को वोट दें, इस असेंबली में मेंबर चुने, लेकिन मैं इस असेंबली को नहीं मानता। जो ये लोग ये बात करते हैं उन्हें तो अपने रिश्तेदार खड़े किए, जो मेरे खिलाफ ये इल्ज़ाम लगाते हैं किसी ने बेटा किसी ने बेटी, कोई ना कोई तो रिश्तेदार उन्होंने रखा। अगर वो अपने ही प्रिंसिपल्स के इतने बड़े पाबंद हैं तो फिर तो उनको पूरी तरह से इससे बाहर रहना चाहिए था, खुद बाहर रह के किसी रिश्तेदार को रखने का क्या फ़ायदा। मैं मान के चलता हूँ कि फ़िलहाल इस असेंबली में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत होनी चाहिए, लेकिन हम इस असेंबली के ज़रिए ही इस असेंबली को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। बेल का फैसला वोटर नहीं करता, बेल का फैसला बारामुला के वोटरों ने भी नहीं किया, कोई वोटर जो है बेल का फैसला नहीं करती, बेल का फैसला सिर्फ और सिर्फ अदालत में होता है। नहीं चाहती तो ईडी भी नहीं चाहती थी कि फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो केस लगा है वो हट जाए, लेकिन अदालत ने फैसला किया और केस हटा। अब मामला अदालत के सामने है, उन्होंने अपना जजमेंट 4 तारीख तक रिजर्व किया है। जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि दिल्ली से कोई खबर जो है ज़्यादा देर छुपी नहीं रहती, अंदर अंदर से बात बाहर आ ही जाती है, मुझे मैं अभी ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन मुझे लगता है कि NIA की बात जो है वो अदालत नहीं मानेगी। 4 तारीख को अदालत के तरफ से उनका फैसला आ जाएगा, और जो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे तो लगता है कि 4 तारीख को NIA वाले जो हैं ED की तरह उनकी आर्ग्यूमेंट फेल हो जाएगी और अदालत का फैसला आप सबके सामने होगा। अब जाके अगर इंजीनियर साहब को छोड़ दिया जाता है तो क्या अदालत के तरफ से उनके ऊपर कोई रोक होगी, कोई रुकावट होगी, कोई स्ट्रिक्चर्स होंगे, वो हमें देखना होगा।